जेपी गिलफर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, या जिसे हम क्यूबिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं, और इसके अलावा इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और क्योंकि गिलफर्ड ने इंटेलिजेंस के थ्री डायमेंशंस की बात की थी, तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम थ्री डायमेंशनल मॉडल भी है। इसको जेपी गिलफर्ड्स थ्री डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं। जिस तरह से क्यूब के थ्री डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, उसी तरीके से इन्होंने इंटेलिजेंस को एक क्यूबिक, क्यूबॉइड की फॉर्म में एक्सप्लेन किया। और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से क्यूबॉइड के थ्री डायमेंशंस होते हैं, उसी तरह से इंटेलिजेंस के भी थ्री डायमेंशंस हैं। और उन डायमेंशंस को उन्होंने नाम दिया ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट आर ऑपरेशंस, ऑपरेशंस आर व्हाट द रिस्पोंडेंट डज। जो कुछ भी रिस्पोंडेंट रिएक्ट करता है उसको ही हम ऑपरेशंस कहते हैं। इसमें जो मेन मेन ऑपरेशंस आते हैं वो है कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले जब गिलफर्ड ने ये मॉडल दिया था तो उन्होंने इस सेल में फाइव एलिमेंट्स रखे थे जो हम अभी आपको बता रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने ही मॉडल में बाद में अमेंडमेंट किया और मेमोरी को दो पार्ट में स्प्लिट किया। मेमोरी को इन्होंने मेमोरी रिकॉर्डिंग और मेमोरी रिटेंशन में कन्वर्ट कर दिया, जिसके बाद ये फाइव की जगह पर सिक्स सेल्स बन गए। नेक्स्ट इज कॉन्टेंट। कॉन्टेंट्स रिफर टू द नेचर ऑफ द मटेरियल और वी कैन से द इन्फॉर्मेशन ऑन विच इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। जिस पर हम अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्टेंट्स एंड दे रेफर टू द नेचर ऑफ द मटेरियल। इसमें फाइव सेल्स आते हैं, दे आर विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। इसके बाद प्रोडक्ट्स, जिसको उन्होंने तीसरा डायमेंशन कहा था, प्रोडक्ट्स रेफर टू द फॉर्म इन विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट। तो जो प्रोडक्ट होता है दैट रेफर्स टू द फॉर्म, वो उस फॉर्म की बात करता है। ये भी सिक्स हैं, दैट इज यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशंस। तो इस तरह से 6 × 5 × 6 दैट इज 180 सेल्स जो है वो गिलफर्ड मॉडल में दिए गए थे, कि यानी कि इंटेलिजेंस के जो है वो 180 फैक्टर्स होते हैं। इस तरह से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। आप इस पिक्चर की हेल्प से इसको बेटर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्यूबॉइड की फॉर्म है जिसमें यहाँ पर फाइव ऑपरेशंस दिए हैं, नाउ दे आर सिक्स। हम मेमोरी को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, मेमोरी रिटेंशन एंड मेमोरी रिकॉर्डिंग। तो ये ऑपरेशंस हमारे पास हो जाते हैं सिक्स। प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास सिक्स हैं और कॉन्टेंट हमारे पास फाइव हैं। तो वी मल्टीप्लाई ऑल द डायमेंशंस ऑल टुगेदर, वी गेट द प्रोडक्ट एज 180। तो हम कह सकते हैं कि इस मॉडल में 180 सेल्स हैं एंड ईच सेल इज एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट वन फैक्टर और एबिलिटी, और सम सेल्स मे हैव मोर देन वन फैक्टर ऑल्सो। अब हम इस सेल को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। विल बिगिन विद कॉग्निशन। सो कॉग्निशन इज व्हाट, अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कवरिंग न्यू आइडिया एंड कॉन्सेप्ट्स। तो इसको हम कहते हैं कॉग्निशन, जो कि हमारे ऑपरेशंस की फॉर्म में आता है, जो पहला है। देन वी कम टू मेमोरी। अब मेमोरी के यहाँ पे दो पार्ट हो जाते हैं, मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी रिटेंशन। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट मेमोरी इज, एक्वायरिंग एंड एसिमिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन जब अपने माइंड में स्टोर करते हैं तो पहले उसे रिकॉर्ड करते हैं, देन रिटेंशन इज डन। तो इस तरह से मेमोरी के जो दो पार्ट हैं उनको हम इस तरह से समझ सकते हैं। देन कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, फॉलोइंग रूल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस तरह से कन्वर्जेंट प्रोडक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, देन डिड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। किसी भी एक प्रॉब्लम के जो हम कई सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं, देन इट बिकम्स डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। एंड दिस ऑल्सो पर्टेन्स टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं हम इसको। देन इवेल्युएशन, डिटरमाइनिंग इफ इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, इफ इट इज इनकरेक्ट और रेलिवेंट और इररेलीवेंट। इस तरह से हम जब इवेल्युएशन करने की कोशिश करते हैं, देन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन। तो ये थे हमारे पास ऑपरेशंस जिनकी हमने बात करी, विच आर कॉल्ड मेंटल ऑपरेशंस, बिकॉज इंटेलिजेंस से सब कनेक्टेड है, देन दे विल बिकम मेंटल ऑपरेशंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्टेंट्स की, तो सबसे पहले इसमें आता है सिम्बॉलिक इन्फॉर्मेशन दैट अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ साइंस और इमेजेस, सिंबल्स की फॉर्म में जब हमें नजर आती है, जैसे रोमन न्यूमेरल्स हो गए, म्यूजिक नोट्स हो गए, कोई ब्रांडिंग आइकन्स हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंबल्स। देन सिमेंटिक, द परसीव्ड मीनिंग ऑफ वर्बल इन्फॉर्मेशन। जो कुछ भी वर्बल इन्फॉर्मेशन हमने ली है उसको हम किस तरह से परसीव करें, क्या उसका मीनिंग निकल रहा है वहां, उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक। ये भी हमारे इंटेलिजेंस का एक सेल होता है। देन वी टॉक अबाउट द विजुअल, विजुअल विच pertains to real world information and things that appear in the learner's surrounding. तो विजुअल इन्फॉर्मेशन बाय आर सेंस ऑफ साइट, जो है हमारी देखने की जो हमारी सेंस है उसके थ्रू हम जो कुछ भी परसीव करते हैं दैट इज विजुअल। ऑडिटरी, जब हम किसी चीज को हियर करते हैं, अनदर एस्पेक्ट जो है वो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है। जब हम हियरिंग के सेंस से म्यूजिक, नरेशंस और कुछ भी ऑडियो एलिमेंट को जब हम हियर करते हैं तो वो हमारे
ऑडिटरी की फॉर्म में आ जाता है. देन वी टॉक अबाउट बिहेवियरल. दिस इज एक्चुअली एन एड ऑन कंटेंट कैटेगरी जो पहले गिलफर्ड्स के ह्यूमन इंटेलिजेंस थ्योरी में नहीं था, लेकिन इन्होंने इसको बाद में ऐड किया है. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले मेमोरी की बात की, यानी कि सबसे पहले जो थे हमारे पास गिलफर्ड मॉडल में 120 थे, बिकॉज 5 × 4 × 6 देन दे वर 120, देन दे टर्न आउट टू बी 150 एंड नाउ द लेटेस्ट इज 180. तो इस तरीके से हम इसकी बात कर सकते हैं. ये दूसरों के एक्शन और सिग्निफिकेंस की जब हम बात करते हैं, बिहेवियरल टर्म यानी किसी और के पर्सन के बिहेवियर के बारे में हम जब बात करते हैं, तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिट, अ सिंगल पीस ऑफ नॉलेज. कोई भी नॉलेज जो हमने गेन की है और उसको हमने स्टोर किया है, दैट बिकम्स अ यूनिट. तो दिस इज अ मोस्ट बेसिक प्रोडक्ट एंड इट डज नॉट फैसिलिटेट एनी वाइड स्प्रेड चेंज इन द मेंटल स्कीमा. तो इस तरीके से यूनिट जो है वो उसका पहला पार्ट बन जाता है. देन क्लास, अ कलेक्शन ऑफ यूनिट्स. जब कई सारी यूनिट्स हमारे पास कलेक्ट हो जाती हैं तो विद कॉमन डिनोमिनेटर, तब हम उसे कहते हैं क्लास. रिलेशंस, यूनिट दैट आर समहाउ रिलेटेड. जब कुछ यूनिट्स जो होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, रिलेटेड होती है, देन वी कॉल, देन दिस डायमेंशन इज कॉल्ड रिलेशंस. नेक्स्ट इज सिस्टम, इन्फॉर्मेशन दैट इज इंटरकनेक्टेड. दीज यूनिट्स फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेटेड कंसेप्ट्स एंड आइडियाज. दिस इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. देन वी कम टू द ट्रांसफॉर्मेशन. जब नॉलेज को ऑल्टर किया जा सकता है, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ न्यू इन्फॉर्मेशन. इसका न्यू इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या अपने न्यू आइडिया या बिलीफ को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तब हम इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. लास्ट इज इम्प्लीकेशन. जब हमने जो कुछ भी ट्रांसफॉर्म किया है उसको जब हम इम्प्लाई कर सकते हैं, कहीं पर हम उसे यूज कर सकते हैं और उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आउटकम आने की एक्सपेक्टेशन है, तब हम इसे कहते हैं इम्प्लीकेशंस. तो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में हमने जेपी गिलफर्ड के मॉडल की बात करी और हमने ये डिस्कस किया कि जो गिलफर्ड मॉडल है वो 3 डायमेंशंस की बात करता है और हर एक डायमेंशन के अंदर कई सारे सेल्स आते हैं. जब हम आपस में सबको मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 180 सेल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट जेपी गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल.